हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल वी फॉर यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली आज क्लास 10th एंड क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है जो हमारे पिछले वीडियो पे, जो अभी हमने रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उस वीडियो को हमने बनाया है, तो उस पर बच्चे कई सारी क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो अब सारी क्वेरीज का हम एक एक करके तो नहीं बता सकते, उनके क्वेरीज का आंसर तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उन सारी क्वेरीज को कंबाइंड करके एक सेपरेट वीडियो तैयार किया है जिसमें आपके सारे क्वेरीज के आंसर देने की हमने कोशिश की है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, इसमें आपके सारी क्वेरीज सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी क्वेरीज, जो उनके क्वेश्चंस है, उनका आंसर कोई भी नहीं दे रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आप पास हो गए हैं, या आपके सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ आया है, या आपका कंपार्टमेंट आया है। अगर आपका इनमें से कुछ भी आया है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे इसी तरीके की सपोर्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारे सब्जेक्ट में, यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे आरटी लिखा हुआ आया है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारे में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया है मार्कशीट पे, तो हम क्या करें, हमें कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, आरटी लिखा है तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कंपार्टमेंट लिखा है तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। आरटी का मतलब क्या होता है? आरटी मीन्स होता है रिपीट इन थ्योरी। कुछ बच्चों की क्वेरीज है कि प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, उसका अलग से जो मार्क्स होता है प्रैक्टिकल का, वो उनके मार्कशीट में नहीं शो हो रहा है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि दो सब्जेक्ट में आरटी लिखा, रिपीट इन थ्योरी लिखा हुआ है, थर्ड कंपार्टमेंट के बाद COM आया है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी मार्कशीट पे आरटी लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा है तो क्या होगा। अगर आपके दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा है, इट मीन्स रिपीट इन थ्योरी, आपको इन दो तीन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे। मतलब कि आपके जिस भी सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा हुआ है आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। रिपीट इन थ्योरी मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके छह सब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके छह सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें से दो के सामने आरटी लिखा हुआ है तो आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा कि आपको छः में से कम पांच सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। इसमें आपको कंपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा, और जो सब्जेक्ट बच गया उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में आरटी आ गया, तो उस केस में बच्चों आपको सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। इसके लिए आपको प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। इस पर हम बच्चों बाद में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कब प्राइवेट का जो फॉर्म है वो रिलीज हो रहा है, कब आपको प्राइवेट फॉर्म फिल करना है, और कब आपका प्राइवेट वाला एग्ज़ाम होगा। बच्चों अगर आपके मार्कशीट में कहीं पर भी किसी भी एक सब्जेक्ट के सामने कंपार्टमेंट लिखा हुआ होगा तो उसमें आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का, मतलब कि उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको दोबारा देना होगा। और इसके एग्ज़ाम जो हैं वो 23 अगस्त से चालू हैं, मतलब कि पूरे एक महीने बचे हुए हैं, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे भरना है, कितने पैसे लगेंगे, कब ये फॉर्म रिलीज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम बता देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे, वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो शो नहीं हो रहा है, ये ड्यू टू प्रो रेटा के वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो जुड़ कर आए हैं, इसलिए आपके प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं हो रहा है। इस पर भी हम आगे डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। जिन बच्चों का दो सब्जेक्ट में आरटी आया है, अगर किसी भी बच्चे का दो सब्जेक्ट में आरटी आया है तो उस बच्चे को सारे एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पांच सब्जेक्ट हैं और उसमें से भी आपके दो सब्जेक्ट में आरटी आ गया है तो आपको सारे एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। और अगर आपके छः सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट में आरटी आ गया है तो आपको एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा और आप पास हो जाएंगे, आपके मार्कशीट पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर आप एक सब्जेक्ट जो बच जाता है उसका आरटी एग्ज़ाम देकर के छः सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने मार्कशीट में। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, इसका फॉर्म कब रिलीज होगा, उस फॉर्म को हम फिल कब कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं, ये जो फॉर्म है वो 2 से 3 दिन में ही
रिलीज हो जाएगा। ये आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से या फिर अपने पीसी से आप इसको इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसकी जो अप्रोक्स जो फीस होगी इस फॉर्म को फिल करने की, वो 200 से 300 रुपए होगी। तो आप इसको इजीली अपने घर पे बैठे ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, ये बच्चों ने भी बहुत पूछा है कि हमको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए कितना सिलेबस पढ़ना है। तो आपको सिर्फ सेकेंड टर्म का ही सिलेबस आपको पढ़ना है और उतना ही आपको अच्छे से रिवाइज करना है। टर्म टू में जो सिलेबस आया था उतने ही सिलेबस को आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और ये एग्ज़ाम 23 अगस्त से चालू होने वाला है और आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर जो कंपार्टमेंट 1 है इसमें भी हम फेल हो गए, अच्छे से पेपर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो डोंट वरी बच्चों, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी मिलेगा, आपको कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जो कि अगले साल होगा बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के साथ में। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इस वाले जो ये जो कंपार्टमेंट 1 होगा इसमें ही आप एकदम अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इसी साल आप पास हो सकते हैं और अपना 1 साल सेव कर सकते हैं। तो आप एकदम अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए और एकदम अच्छे से पेपर दीजिए। हमारे बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आप ज़रूर अच्छे मार्क्स से इसी कंपार्टमेंट में एकदम अच्छे से पास हो जाएंगे और आप ज़रूर पास होंगे क्योंकि इसका जो पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लो है तो आप फेल ज़रूर हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी फेक चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करके और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और ये पेपर बहुत इजी आता है तो आप एक बार में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, आपको लिखना कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक से पता नहीं है, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, तो कई सारे बच्चे इस वजह से फेल हुए हैं कि पेपर में लिखना कैसे है ये नहीं जानते। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो याद करके पूरा गए, वो उन्हें याद भी था लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से वो सब भूल गए, होपलेस हो गए, वहाँ पर जाकर के एकदम ही होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो बच्चे भी नहीं लिख पाते, उनको सब कुछ आते हुए भी वो नहीं लिख पाते। तो इसीलिए आपको एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और उसे देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो और ये नॉर्मल सी बात है बच्चों। अगर आप इसी को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम पास करना बड़ा आसान है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे घबराहट की वजह से एग्ज़ाम हॉल में जा करके क्वेश्चन पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। कई सारे बच्चे हैं जिनके आरटी एंड कंपार्टमेंट आए हैं, तो आप उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि अगर वो होपलेस हुए हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और वो लोग भी एग्ज़ाम कैसे, कब और फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।